हेलो दोस्तों, आप इस फ़ोन को जानते होंगे दोस्तों, ये फ़ोन कौन सा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी फ़ोन के बारे में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब जियो फ़ोन जो जियो रिलायंस जियो है दोस्तों, उन्होंने एक और फ़ोन लॉन्च कर दिया है दोस्तों। लॉन्च की डेट निकाल दी है, मतलब कि जिसका नाम है जियो नेक्स्ट दोस्तों। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ये फ़ोन कब लॉन्च होने वाला है और कितने प्राइस का है दोस्तों, इसमें क्या क्या फीचर्स है, इस फीचर्स के बारे में पूरे बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों। आप देख सकते हो ये मोबाइल आज से कुछ 2-3 साल पहले लॉन्च किया था दोस्तों, ये देख सकते हो आप जियो रिलायंस ने। तो दोस्तों, अब रिलायंस जियो एक और मोबाइल हेडने जा रहा है दोस्तों। आपने सुना था कुछ दिनों पहले जियो फ़ोन 2 और जियो फ़ोन 3 भी निकाला था दोस्तों। अब रिलायंस जियो जो कंपनी है दोस्तों, अब वो निकालने जा रही है जियो नेक्स्ट दोस्तों। इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आपके दोस्तों के पास दोस्तों, उनको भी पता चले कि रिलायंस जियो है, कि वो भी जियो फ़ोन नेक्स्ट लॉन्च करने वाली है अगले मंथ में दोस्तों। जियो फ़ोन नेक्स्ट लॉन्च होगा एंड दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल पर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है और दोस्तों अदर न्यूज़ से रिलेटेड भी वीडियो मिलती है, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, रिलायंस जियो ने न्यू मोबाइल लॉन्च किया, मैं उसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी दूंगा आपको दोस्तों। इस वीडियो में पूरा एंड तक देखना एंड दोस्तों, मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा क्या क्या फीचर्स है दोस्तों। देख सकते हो रिलायंस जियो ने अभी एक आर्टिकल दिया है दोस्तों गूगल पर। तो दोस्तों ये देखिए, द जियो फोन नेक्स्ट विल रन द लेटेस्ट एंड्रॉयड 11। तो दोस्तों ये देख सकते हो कि जो जियो फोन नेक्स्ट आने वाला है दोस्तों, वो एंड्रॉयड वर्जन में होगा और वो भी एंड्रॉयड 11। और दोस्तों उसमें देखिए स्टोरेज, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हो स्टोरेज उसमें होगा 2 GB रैम एंड 32 GB स्टोरेज। एंड दोस्तों इसमें देखिए 13 MP और 13 MP कैमरा और रियर कैमरा होगा दोस्तों 8 MP दोस्तों, मतलब कि जो बैक कैमरा होगा वो 13 MP का और जो फ्रंट कैमरा होगा दोस्तों 8 MP का। एंड दोस्तों मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लेना, मैं आपको इस आर्टिकल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो, मुकेश अंबानी रिलायंस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैड्स सेड डेट द जियो फोन वुड द मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन। तो दोस्तों ये फ़ोन जो होने वाला है दोस्तों, वो एकदम स्मार्टफोन होगा। और दोस्तों इसकी रिलीज डेट देख सकते हो दोस्तों, 10 सितंबर है। एंड दोस्तों इसमें मैं और क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं दोस्तों, आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो, द विल स्मार्टफोन 1400x720 रेजोल्यूशन डिस्प्ले एंड क्वालकॉम एंट्री लेवल 215 चीपेस्ट। तो दोस्तों इसकी स्क्रीन जो है 1440x720 रेजोल्यूशन डिस्प्ले है। एंड दोस्तों ये देखिए इसका कैमरा, गूगल कैमरा गो एंड ड्यूओ गो ऐप प्री इंस्टॉल्ड, दोस्तों ये दो ऐप पहले से इंस्टॉल आएंगे इसमें। एंड दोस्तों मैंने आपको बता दिया इसकी रैम और स्टोरेज कितना है, और दोस्तों इसमें डबल सिम का भी सिस्टम है दोस्तों, ये 4G मोबाइल। और दोस्तों इसमें वाईफाई एंड ब्लूटूथ का फीचर्स भी है दोस्तों, कैमरा का भी है इसमें, मैंने बता चुका है आपको दोस्तों। एंड दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले स्क्रीन होगी वो HDR FHD प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। एंड दोस्तों इसका नाइट मोड भी, इसमें नाइट मोड भी है दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों। इसका प्राइस लगभग 5000 हो सकता है दोस्तों, अभी कोई पक्का नहीं पता है इसका प्राइस कितना है, लेकिन दोस्तों मैं अपने बता देता हूँ 5000 समथिंग है दोस्तों इसका प्राइस। एंड दोस्तों ये देख सकते हो 4G हैंडसेट है, एकदम 4G। और दोस्तों इसकी जो न्यूज़ आई थी दोस्तों, आज से 2 महीने पहले ट्वीट किया था, वहाँ पे बताया था कि दोस्तों आने वाले कुछ मंथ में जियो नेक्स्ट फ़ोन आ सकता है दोस्तों। तो अब उसकी लॉन्च डेट भी बता दी है सर, तो दोस्तों ये सितंबर बताई गई है। तो दोस्तों ये देख सकते हो पूरा आर्टिकल दिया है दोस्तों, मैं इस आर्टिकल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया था फॉलो कर लेना दोस्तों।